हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 3rd का वीडियो नंबर 4। तो बेटे, ये तीसरी यूनिट का चौथा वीडियो है, और इससे पहले तीन वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 3rd के सभी वीडियोस को देख सकते हो और समझ सकते हो, और अपने सुंदर से नोट्स भी बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है मूल आवर्त सारणी के दोषों का निराकरण, कि जो मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी थी उसके दोषों का निराकरण कैसे हुआ जब आधुनिक आवर्त सारणी बनी। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के बनने से मूल आवर्त सारणी के कौन कौन से दोष ठीक हो गए थे स्वयं ही, अपने आप ही, उनके बारे में हमें बात करनी है। बस आपको हमारे चैनल से पढ़ाई करते समय दो बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि यदि आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ना हो, किसी भी यूनिट को पढ़ना हो, तो आपको प्लेलिस्ट के अनुसार ही पढ़ना चाहिए, प्लेलिस्ट में जाकर ही पढ़ना चाहिए किसी भी यूनिट को। और दूसरी बात, जब भी आप किसी वीडियो को देखते हो तो वीडियो की स्पीड आपको अपने अनुसार व्यवस्थित कर लेनी चाहिए। जितना आप स्पीड पर देखना चाहते हो वीडियो को, वो आपको ऑप्शन मिलता है, और वीडियो का स्पीड आपको अपने अनुसार एडजस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आज का हमारा टारगेट है कि मूल आवर्त सारणी के दोषों का निराकरण, या निराकरण को आप निवारण भी कह सकते हैं। तो देखते हैं, हेडिंग लिखते हैं, आप भी मेरे साथ साथ लिखा करो, मेंडेलीफ कहो या मेंडेलीव, कुछ बुक्स में यहाँ वे लिखा हुआ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेंडेलीफ की मूल आवर्त सारणी के दोषों का निराकरण भी लिख सकते हो और निवारण भी लिख सकते हो। तो ये हमारा हेडिंग है आज का, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आधुनिक आवर्त सारणी बनी, मोजले ने जब आधुनिक आवर्त सारणी बनाई, तो आधुनिक आवर्त सारणी के बनने से क्या हुआ? मूल आवर्त सारणी के बहुत सारे दोष अपने आप ऑटोमेटिकली ही ठीक हो गए थे, और वे कौन कौन से दोस्त थे उनके बारे में हमें बात करनी है। तो लिखते हैं यहाँ, देखो जरा ध्यान से, कि आधुनिक आवर्त सारणी के बनने के बाद ही तो ऐसा हुआ था। तो हम लिखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, मेरे साथ साथ लिखा करो आप, आधुनिक आवर्त सारणी के बनने पर, आधुनिक आवर्त सारणी के बनने से लिख दो या बनने पर लिख दो, एक ही बात है। आधुनिक आवर्त सारणी के बनने पर मूल आवर्त सारणी के निम्न दोषों का निवारण, यानी दोषों का ठीक होना, निम्न दोषों का निवारण स्वयं हुआ या स्वयं हो गया। स्वयं माने अपने आप, मतलब ये कुछ दोष जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे ये अपने आप ही ठीक हो गए थे जब आधुनिक आवर्त सारणी बनी थी। इसका कारण क्या था? कारण ये था कि मूल आवर्त सारणी का आधार था परमाणु भार, मतलब मूल आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था ना मेंडलीफ ने। पर जब आधुनिक आवर्त सारणी बनी, जो मोजले ने बनाई थी, आधुनिक आवर्त सारणी कह दो या संशोधित आवर्त सारणी कह दो, एक ही बात है। तो
आधुनिक या संशोधित आवर्त सारणी बनाई गई थी तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखकर। यानी आधुनिक या संशोधित आवर्त सारणी का मुख्य आधार था परमाणु क्रमांक, और जब तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया तो मूल आवर्त सारणी के कुछ डिफेक्ट ऐसे थे जो ऑटोमेटिकली ही ठीक हो गए थे। और वो कौन कौन से डिफेक्ट थे उनके बारे में ही हम बात करेंगे। सबसे पहला जो डिफेक्ट हमें पढ़ना है, नंबर एक करके मैं लिखता हूं, सबसे पहले हमें पढ़ना है अधिक परमाणु भार वाले, अधिक परमाणु, मेरे साथ साथ लिखा करो बेटे, अधिक परमाणु भार वाले पदार्थ तत्वों को क्या करा था मेंडलीफ ने? अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले पदार्थों से पहले रखना। देखो ये एक दोष था मूल आवर्त सारणी का। क्यों था दोष मैं बताता हूं अभी आपको। वैसे तो आपने पढ़ रखा है जब मेंडलीफ ने मूल आवर्त सारणी बनाई तो मूल आवर्त सारणी बनाते समय उसने परमाणु भार के साथ साथ गुणों पर भी ध्यान दिया। और जब परमाणु भार के साथ साथ गुणों पर भी ध्यान दिया तो ऐसा करने से क्या हुआ कि कई स्थानों पर गुणों को मिलाने के चक्कर में उसने क्या करा कि अधिक परमाणु भार वाले तत्व को तो पहले रख दिया और कम परमाणु भार वाले तत्व को रखा बाद में। यानी उसने परमाणु भार का घटता क्रम कहीं कहीं ले लिया। हालांकि जो मूल आवर्त सारणी बनाई गई थी वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में बनाई गई थी। नियम ही ये था कि जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक निश्चित अंतर के बाद समान गुणों वाले तत्व प्राप्त होते हैं, अर्थात तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखना था तो उसने कुछ स्थानों पर उस क्रम को पलट दिया। जो अपना नियम था उस अपने नियम का ही पालन नहीं किया। ठीक है, तो ये एक दोष था मूल आवर्त सारणी का। पर अब जब आधुनिक आवर्त सारणी बनी तो आधुनिक आवर्त सारणी का आधार कोई परमाणु भार थोड़ा ही है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में थोड़ा ही रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तो तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। और जब तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है तो परमाणु भार से तो कोई लेना देना है ही नहीं। अब चाहे परमाणु भार का बढ़ता क्रम हो या घटता क्रम हो हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए अब परमाणु क्रमांक का केवल बढ़ता क्रम हमें देखना होता है। परमाणु भार का चाहे बढ़ता क्रम हो चाहे घटता क्रम हो उससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। इसलिए वो समस्या अपने आप ही ठीक हो गई है। समझ में आया है ना आपके? देखो लिखते हुए समझाता हूं मैं आपको और समझ में आएगा। यहां से लिखते हैं, ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, आधुनिक आवर्त सारणी बताओ किस आधार पर बनी है? आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांकों या परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में बनाई गई है। ठीक है, मतलब इसमें तत्वों के परमाणु क्रमांकों का बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, आते हैं परमाणु भार के क्रम की कोई आवश्यकता नहीं है। परमाणु भार का बढ़ता क्रम हो या घटता क्रम हो इससे तो हमें कोई लेना देना है ही नहीं। क्योंकि अब आधुनिक आवर्त सारणी बनी है परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। तो हमने लिखा है आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में बनाई गई है, अतः परमाणु भार के क्रम की कोई आवश्यकता नहीं है। पर
परमाणु भार के क्रम की कोई आवश्यकता अब हमारे पास नहीं है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो अभी समझ में आ जाएगा आपको पहले क्या समस्या थी और अब क्या समस्या जो है वो सॉल्व हुई है। देखो 18 Ar है, यदि हम 18 Ar की बात करते हैं तो इसका परमाणु भार होता है 39.9, 39.9। तो इन्होंने इसे रख रखा था, जब मेंडलीफ ने मूल आवर्त सारणी बनाई थी तो इसे 19 के 39.1 से पहले रख रखा था। चलो पूरा ही लिख देता हूं, से पहले रखना। अब देखो यदि आप इस वाक्य को पढ़ते हो तब जब आप मूल आवर्त सारणी के बारे में बात कर रहे हो, तो यहां मूल आवर्त सारणी का आधार क्या था? परमाणु भार। अब ए आर का परमाणु भार कितना है? 39.9, और के का परमाणु भार है 39.1। तो इसका परमाणु भार अधिक है, इसका परमाणु भार कम है, तो अधिक परमाणु भार वाले तत्व को पहले रख रखा था उसने और कम परमाणु भार वाले तत्व को बाद में रख रखा था, गुणों को मिलाने के चक्कर में। इसका मतलब मूल आवर्त सारणी के अनुसार ए आर 39.9 को के 39.1 से पहले रखना सही नहीं था, क्योंकि इसका परमाणु भार ज्यादा है, इसे पहले क्यों रख रखा था? इसका परमाणु भार कम है, इसे बाद में क्यों रख रखा था? जब आपने मूल आवर्त सारणी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में बनाई थी, सारी दुनिया को सिखाया था कि आपको तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखना है, तो ये घटता हुआ क्रम क्यों आया? देखो इससे कम ही तो है इसका परमाणु भार। तो मूल आवर्त सारणी के लिहाज में यदि हम इस बात को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ए आर को के से पहले रखना सही नहीं था मूल आवर्त सारणी में, क्योंकि मूल आवर्त सारणी बनाई गई थी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, तो ये घटता हुआ क्रम वहां रखना सही नहीं था। अब ए आर पहले ही रखा हुआ है, के उसके बाद में रखा हुआ है, अब भी वही रखे हुए हैं जहां पहले थे, ठीक है वही स्थितियां हैं। पर हुआ क्या कि अब आवर्त सारणी इस आधार पर नहीं है, परमाणु भार के क्रम में नहीं है आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में बनाई गई है। ए आर का परमाणु भार के परमाणु भार से भले ही ज्यादा हो, पर ए आर का परमाणु क्रमांक के परमाणु क्रमांक से कम है, और कम है इसका परमाणु क्रमांक 18 है, इसका 19 है। इसका मतलब अब आधुनिक आवर्त सारणी तो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है। जब आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है तो ए आर 18 को के 19 से पहले रखना कोई गलत नहीं है। ये पहले भी वही रखे हुए थे और अब भी वही रखे हुए हैं, केवल अंतर क्या आया है कि पहले हम देख रहे थे परमाणु भार के आधार पर मूल आवर्त सारणी में, और अब हम देख रहे हैं परमाणु क्रमांक के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी या संशोधित आवर्त सारणी में। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम। देखो जरा, यदि मैं आपको कहूं कि 27 Co कोबाल्ट है ये 58.9, इसे पहले रख रखा था, किससे पहले रख रखा था? 28 Ni, 28 Ni 58.7 से पहले रखना, मतलब इन्हें पहले रखना, जब मूल आवर्त सारणी में ये रखे हुए थे इस तरीके से तो गलत थे, अब आधुनिक आवर्त सारणी में इस तरीके से रखे हुए हैं तो गलत नहीं है। ये समस्या भी अपने आप ही ठीक हो गई है, क्योंकि देखो जब आप मूल आवर्त सारणी की बात करोगे तो इसका परमाणु भार ज्यादा है, इसका कम है, तो मूल आवर्त सारणी में इसे पहले रखना गलत था और इसे बाद में रखना गलत था। पर जब हम आधुनिक आवर्त सारणी या संशोधित आवर्त सारणी की बात करते हैं तो उसमें तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। कोबाल्ट और निकिल अब भी लगभग उन्हीं स्थितियों में हैं, पर यहाँ परमाणु क्रमांक क्या है? 27, और यहाँ 28 है, तो इसे पहले रखना कोई गलत नहीं है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कम है और इसका ज्यादा है, तो तत्व तो लगभग वही है, भले ही उनकी स्थिति थोड़ी बहुत इधर हुई है, इधर उधर सरकी है, पर पहले आधार क्या था? मूल आवर्त सारणी में आधार था परमाणु भार, और आधुनिक या संशोधित आवर्त सारणी में आधार क्या है? परमाणु क्रमांक। तो यहाँ हमारा हेडिंग था अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखना। ये मूल आवर्त सारणी में गलत बात थी, पर आधुनिक आवर्त सारणी में अपने आप ही ठीक हो गई है। अब आते हैं नंबर 2 पर।
दूसरा क्या दोष है जो अपने आप ठीक हुआ है? दूसरा दोष है समस्थानिकों का स्थान, समस्थानिकों का स्थान। थोड़ा मेरे साथ साथ भी लिखा करो आप, बाद में तो स्क्रीनशॉट ले लेते हो, उससे भी लिख सकते हो आप, या पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाते हैं वहां से भी आप लिख सकते हो, पर यदि साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समस्थानिकों का स्थान, देखो आपको पता है समस्थानिक उन्हें कहते हैं जिनके परमाणु क्रमांक एक जैसे हों और परमाणु भार अलग अलग हो। तो जब आप मूल आवर्त सारणी की बात कर रहे थे, जैसे मैं आपको कहूं कि मान लो मेरे पास समस्थानिक हैं 1H1, 1H2 और 1H3। मान लो हमारे पास ये तीन समस्थानिक हैं, किसके हैं? हाइड्रोजन के। अब हम बात करेंगे मूल आवर्त सारणी की। यदि आप मूल आवर्त सारणी को देखते हो तो मूल आवर्त सारणी बनाई गई थी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, तो इसका परमाणु भार एक है, इसका दो है, इसका तीन है। तो हाइड्रोजन 1H1 और 1H2 और 1H3, तीनों हाइड्रोजन को अलग अलग जगह मूल आवर्त सारणी में मिलनी चाहिए थी, पर हाइड्रोजन को तो केवल एक स्थान पर ही रख रखा था मेंडलीफ ने भी। जब हाइड्रोजन को एक स्थान पर रख रखा था तो हाइड्रोजन तो तीन समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, और तीनों के परमाणु भार अलग अलग हैं, और आप मूल आवर्त सारणी बना रहे हो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, तो तीनों के परमाणु भार अलग अलग हैं समस्थानिकों के, तो तीनों को एक जगह क्यों रख दिया था आपने? तो दोष था, एक कमी थी मूल आवर्त सारणी की। पर हुआ क्या, अब मोजले ने आधुनिक या संशोधित आवर्त सारणी बनाई। संशोधित आवर्त सारणी का आधार क्या है? परमाणु क्रमांक है, और समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक तो एक जैसे होते हैं भाई, इनके परमाणु भार ही तो अलग अलग हैं, पर इनके परमाणु क्रमांक तो एक जैसे हैं। जब इनके परमाणु क्रमांक एक जैसे हैं तो हाइड्रोजन को एक स्थान पर रखना गलत नहीं है, क्योंकि आधुनिक या संशोधित आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है। जब तीनों का परमाणु क्रमांक एक जैसा है तो हम तीनों को, समस्थानिकों को, एक स्थान पर ही रख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। परमाणु भार के आधार पर इन्हें एक स्थान पर रखना दोषपूर्ण था, गलत था, पर परमाणु क्रमांक के आधार पर इन्हें एक स्थान पर रखना गलत नहीं है, ठीक है? तो यहां हमारा हेडिंग है समस्थानिकों का स्थान। तो यहां मैं लिखूंगा समस्थानिकों, ये समस्या भी अपने आप ही सही हो गई है। देखो हाइड्रोजन पहले भी एक स्थान पर ही रखा था जब मूल आवर्त सारणी थी, और अब भी हाइड्रोजन आधुनिक या संशोधित आवर्त सारणी में भी एक स्थान पर ही रखा है, पर पहले उसे एक स्थान पर रखना गलत था और अब उसे एक स्थान पर रखना अपने आप ही सही हो गया है, क्योंकि पहले आवर्त सारणी का आधार था परमाणु भार और अब आवर्त सारणी का आधार क्या है? परमाणु क्रमांक है। तो समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं बताओ? परमाणु क्रमांक समान होते हैं। देखो परमाणु क्रमांक तो इनके एक जैसे हैं, समान होते हैं। समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, अतः आधुनिक आवर्त सारणी में, अतः आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में इन्हें, इन्हें माने समस्थानिकों को, इन्हें एक स्थान पर रखना, इन्हें एक स्थान पर रखना बिल्कुल सही है, पहले सही नहीं था, यह अपने आप सही हो गया है। कारण भी चलो दे देते हैं इसका, बिल्कुल सही है क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बनाई गई है बताओ? आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार, परमाणु क्रमांक के आधार पर, यानी परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु क्रमांक के आधार पर ही बनी है, ठीक है, या बनाई गई है। अब जैसे इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, चलो उदाहरण इसके।
अभी मैंने एक समझाया आपको, 1H1, 1H2, 1H3 को एक स्थान पर रखना, मतलब इन्हें एक स्थान पर रखना पहले तो गलत था और अब इन्हें एक स्थान पर रखना सही है। ठीक है, इसी तरीके से एक एग्जांपल और ले लो आप, एग्जांपल ले लो आप, किसका एग्जांपल ले, और याद है आपको कोई? ऑक्सीजन का ले लें, चलो ऑक्सीजन का ले लेते हैं, 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17, 8 ऑक्सीजन 18 को एक स्थान पर या एक साथ रखना, एक स्थान पर की जगह एक साथ भी लिख सकते हो आप, यानी एक ही जगह पर रखना, तो ये है समस्थानिकों का स्थान। ये कमी अपने आप ही ठीक हो गई है। अब बात करेंगे, चलो तीसरी कमी की बात करते हैं, नंबर तीन। नंबर तीन पे आप हेडिंग लिखो, संभारिकों का स्थान। अब मुझे एक बात बताओ, संभारिकों के स्थान की यदि हम बात करते हैं तो मूल आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर बनी गई थी। देखो मैं यहां कुछ संभारिक लिखता हूं, 18 Ar 40, 19 Ke 40 और 20 Ca 40, इन्हें देखो जरा, संभारिक हैं भाई, परमाणु भार इसका भी 40 है, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है। तो जब तीनों के परमाणु भार एक जैसे थे या एक जैसे हैं तो इन तीनों को मूल आवर्त सारणी में एक स्थान पर रखना चाहिए था और तीनों को अलग अलग स्थान पर रखा गया था। ए आर के और सी ए तीनों तत्वों के परमाणु भार एक जैसे हैं पर फिर भी इन्हें अलग अलग स्थान पर रखा गया था। भाई जब मूल आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर बनाई गई थी तो तीनों के परमाणु भार एक जैसे होने के कारण तीनों को एक ही जगह रखना चाहिए था, पर तीनों को एक जगह नहीं रखा गया था। यह अपने आप में क्या था, एक कमी थी, एक दोष था। पर अब जब आधुनिक आवर्त सारणी की हम बात करते हैं, आधुनिक या संशोधित आवर्त सारणी की, तो आधुनिक या संशोधित आवर्त सारणी में तो क्या आधार माना गया है, परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक तो इनका अलग अलग है। जब इनका परमाणु क्रमांक अलग अलग है तो इन्हें अलग अलग जगह अलग अलग स्थान पर रखना गलत नहीं है, सही है। पहले इन्हें अलग अलग स्थान पर रखना गलत था, अब इन्हें अलग अलग स्थान पर रखना बिल्कुल सही है, क्योंकि मूल आवर्त सारणी का आधार परमाणु भार था जो इनका एक जैसा है, तो अलग अलग रखना इन्हें सही नहीं था। पर आधुनिक या संशोधित आवर्त सारणी का आधार ये है परमाणु क्रमांक जो नीचे लिखा जाता है, और जब परमाणु क्रमांक के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई है तो इनका परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है। जब इनका परमाणु क्रमांक अलग अलग है तो इन्हें अलग अलग स्थान पर रखना गलत नहीं है। ठीक है, तो संभारिकों का स्थान, अब आपको पता है जो संभारिक होते हैं, यहां से लिखता हूं, संभारिकों के परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, अतः इन्हें आधुनिक आवर्त सारणी में अतः इन्हें आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान पर, अलग अलग स्थान पर रखना उचित है या बिल्कुल सही है। पहले इन्हें अलग अलग स्थान पर रखना सही नहीं था, अब सही है। ठीक है, अलग अलग स्थान पर रखना उचित है। जैसे एक एग्जाम्पल लगाया था हमने अभी ऊपर, समझा था, एग्जाम्पल देखते हैं, 18 Ar 40 कोमा 19 Ke 40 कोमा 20 Ca 40 को
अलग स्थान पर रखना, चलो पूरा सेंटेंस बना देता हूं, रखना उचित है। उचित माने ठीक, सही। इन्हें अलग-अलग स्थान पर रखना बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर एक कमी और है जो अपने आप ठीक हो गई है, उसके बारे में बात करेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 4 हेडिंग लिखेंगे हम, अक्रिय अक्रिय गैसों का स्थान, अक्रिय गैसों का स्थान। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, यदि हम मूल आवर्त सारणी की बात करते हैं तो मूल आवर्त सारणी बनाते समय मेंडलीफ ने अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा था। हालांकि मेंडलीफ ने बहुत सारे तत्वों के लिए बहुत सारे स्थान छोड़े थे, और उन स्थानों पर भविष्य में जिन तत्वों को लिखा जाना था, उन सभी तत्वों के खोज से पहले ही उसने उनके गुणों की भविष्यवाणी कर दी थी। ये बात तो आपको पढ़ाई गई है, पर मेंडलीफ ने अपनी मूल आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा था। यदि हम आधुनिक या संशोधित आवर्त सारणी की बात करते हैं तो आधुनिक या संशोधित आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए एक अलग स्थान छोड़ा गया था, जिसे आप कहते हो शून्य वर्ग या नोवा स्थान। तो वैसे तो वर्ग उसमें 8 थे, मूल आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे? 8। और आधुनिक या संशोधित आवर्त सारणी में कितने वर्ग हो गए थे? 9 हो गए थे, क्योंकि वो जो नोवा वर्ग बनाया था मोजले ने, वो नोवा वर्ग जिसे आप शून्य वर्ग कहते हो, वो अक्रिय गैसों के लिए ही बनाया था, ठीक है। तो यहां लिखते हैं मूल आवर्त सारणी में, मूल आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए, मूल आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए, अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान, नहीं, क्या किया गया था? छोड़ा गया था। कोई स्थान नहीं छोड़ा गया था, परंतु आधुनिक या आधुनिक आवर्त सारणी को संशोधित आवर्त सारणी भी कहते हैं, परंतु आधुनिक या संशोधित आवर्त सारणी में, अक्रिय गैसों के लिए, अक्रिय गैसों को आप उत्कृष्ट गैसें भी कह सकते हो, अक्रिय गैसों के लिए शून्य वर्ग, यानी जीरो ग्रुप, नंबर 9 पर है ये, 9वें नंबर पर है, पर इसका नाम है शून्य वर्ग या जीरो ग्रुप या शून्य समूह भी आप कह सकते हो, बनाया गया है या बनाया गया था, ऐसे लिखते हैं, बनाया गया था। तो जीरो ग्रुप बनाया गया था, शून्य वर्ग बनाया गया था अक्रिय गैसों के लिए, ठीक है बेटे। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा, आधुनिक आवर्त सारणी बनने से मूल आवर्त सारणी के कौन कौन से दोष अपने आप ही ठीक हो गए हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बेटे। आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी किसी चैप्टर को आप पढ़ते हो तो प्लेलिस्ट के अनुसार ही आपको पढ़ना चाहिए, और जब भी किसी वीडियो को देखते हो, प्लेलिस्ट में मान लो आप किसी वीडियो को देख रहे हो, तो वीडियो को देखते समय आपको वीडियो का स्पीड एडजस्ट कर लेना चाहिए अपने अनुसार। यदि आपको लगता है वीडियो का स्पीड स्लो है तो आप स्पीड को फास्ट कर सकते हो,
और यदि आपको फास्ट लगता है तो स्लो भी कर सकते हो। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।